हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो जो है कि आज भोर में ही 4 बजे भोर में सार्थक के पापा आ गए हैं और आने के बाद जो है सो गए थे। सोने के बाद जब हम उठे हैं 7 बजे, तो 7:30 बजे लगभग हम लोग उठे हैं, तो वो नहीं उठ पाए क्योंकि रात मतलब भोर में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो मतलब सोना पड़ता है, सोते हैं, नींद आती है। तो यहाँ पर 7:30 बजे के लगभग मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद मैं उनको जगाऊंगी। दोस्तों, तो यहाँ जो है कि चाय मेरा रेडी हो गया है, मैं छान रही हूँ और मैं ले जाऊंगी कमरे में और उनको मैं जगाऊंगी, क्योंकि वो इतना थक जाते हैं ना कि वो जागना मतलब मुश्किल हो जाता है। उतना दूर का सफ़र है दोस्तों, तो इस वजह से वो गाड़ी उतना चलाना पड़ता है और थक जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि मैं दे दी हूँ चाय और यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय जो है कि मैं पहले ही बना ली थी, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है। जो ठंडी का मौसम जो चल रहा था, तो मैं ठंडी में चाय पीने लगती हूँ, तो मतलब वो प्रोसेस कुछ टाइम तक चलता है, जब तक कि गर्मी नहीं आ जाता है। अच्छा खासा गर्मी जब पड़ने लगता है तो मैं सुबह नहाती हूँ, पहले नहाती हूँ उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। तो अभी तो मान लेते हैं कि अभी थोड़ा मौसम ऐसा है जो धूप छाँव कर रहा है, मौसम अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो उस वजह से अभी कोई ऐसा मतलब कामों में कोई बदलाव नहीं है। तो मैं यहाँ पर चूल्हा साफ़ कर ली हूँ और जो साइड का जो है मतलब बैकग्राउंड है उसको मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि उस पर भी छींटा पड़ जाता है, सब्ज़ी वगैरह का, दाल वगैरह का जो भी है सब छींटा पड़ जाता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरा छत जो है कि साफ़ हो गया है। सुबह छत जो है सार्थक के पापा ही साफ़ किए हैं। यहाँ मैं दाल चढ़ा रही हूँ दोस्तों, दाल इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि दाल जो है कि सीटी ही लगता है, तो मैं पहले ही चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है कि नहाना धोना होता है। तो हालांकि अभी तो नहाऊंगी नहीं, क्योंकि दाल जब पक जाएगा उसको मैं निकाल लूँगी और चावल चढ़ाने के बाद मैं नहाऊंगी। तो लगभग आधा खाना हो जाता है मेरा, क्योंकि जल्दीबाजी रहती है। जल्दीबाजी इसलिए रहती है क्योंकि कभी भी इनके डॉक्टर बुला लेते हैं, कभी ज़रूरी नहीं है कि समय से इनका जाना आना होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता है, कभी भी जाना हो जाता है, रात को जाना हो जाता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप कह लीजिए, जब भी मन करता है तब भी बुला लेते हैं, जाना पड़ता है। तो इस टाइम पे ज़्यादा काम चल रहा है उनका, इस वजह से थोड़ा बिजी है और उनका शेड्यूल बिजी है। और इसमें मैंने दाल में हल्दी डाल दिया है और नमक डाल देती हूँ और उसके बाद ढक्कन लगा देती हूँ। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर जो है कि पोछा मार रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी ना पोछा मारा जाता है, पोछा तो पहले ही मारा जाता है, तो मैंने पोछा लगा लिया। और यहाँ पर दाल देखिए मेरा हो गया है, मैं इसको भगोने में मैं निकाल लूँगी। तो मैं दोस्तों, मैं जो चाय वाला जो चाय वाला जो पैन है, जो हम तो उसको भगोना ही बोलते हैं, तो चाय वाला जो बर्तन था उसी में मैं दाल निकाली हूँ, क्योंकि नहीं है, हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर मैं चावल धुल ली हूँ, चावल को चढ़ा देती हूँ। और चावल चढ़ाने के बाद जो है कि इसमें भी ढक्कन मैंने लगा दिया है, लगा देती हूँ इसको, जो साइड में जो चावल धोने के बाद जो है लग जाता है, तो उसको मैं छुड़ा रही हूँ पानी से ही, उसमें मतलब कि डाल रही हूँ और पानी डाल देती हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि उस चूल्हे पे मैं तेज़ आँच, जिस चूल्हे पर तेज़ आँच मतलब लगता है उस पे मैं लगाऊंगी। और यहाँ कुकर का जो ढक्कन है मैं इसलिए निकाली हूँ क्योंकि चलते चलते ना वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद जो है सही तरीके से सीटी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद जो है मैं ये जो पर्दा है मैं उस पर लगा रही हूँ। और ये देख लीजिए कि मैं कहाँ पे धूप ले रही हूँ, और धूप जो है कि छत पे ही है, थोड़ा धूप है, सुबह का समय है, तो थोड़ा सा धूप लेना भी ज़रूरी है, विटामिन डी भी मिलता है।
तो ये जो बाल है, आज बुधवार है तो इस वजह से मैंने बाल को धुला है, और काफ़ी दिन हो गया था मैंने संडे को नहीं धुला है, तो आज मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद जो है कि मुझे मंदिर जब भी मैं जाती हूँ तो मैं बाल धुल करके ही जाती हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए कि अगर बाल नहीं धुला है तो नहीं लगता है कि आप नहाए हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं नहाई हूँ। तो मैंने बाल धुल लिया है, तो मैं बाल धुलने के बाद जो है कि मैं इसको सुखा रही हूँ, तो सूखेगा तो नहीं जल्दी, इतना जल्दी तो नहीं सूखेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है कि धूप लगने से हरक जाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत जो पानी है वो सूख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सार्थक के पापा ही कपड़ा अपना धुल लिए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रहता है। आप लोग समझ सकते हैं, जो यूट्यूबर होंगे वो लोग समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि वो होता है, बहुत समय लगता है वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, मतलब एडिटिंग करना, ये सब सारी चीज़ें करना पड़ता है, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये अपना कपड़ा ये खुद ही धोते हैं, मैं भी धुलती हूँ। तो यहाँ टेडी बियर जो दिख रहा है मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ बाबू का, तो उसको भी नहला दिए हैं, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं कहीं, दिखाते हैं आप लोगों को कि कहाँ जा रही हूँ। दे बेटा मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया है और मैं निकल रही हूँ। तो दोस्तों ये मैं मंदिर में आ गई हूँ। ये जो मंदिर है देख रहे हैं शिवलिंग है, और जो कैप्चर किया गया है, और कैप्चर मतलब जो वीडियो बनाए हैं ये, उनको लग रहा था कि नहीं वहाँ कोई बोलेगा इसलिए नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि मैं आज जा रही हूँ तो अच्छे से मैं पूजा करूँगी और मेरा वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों मैं फल वगैरह भी लेके गई थी, भगवान जी को मैंने चढ़ा दिया है, तो आ गए हैं घर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाबू को खाना वाना खिलाएँगे, हम भी खाएँगे, और जो है दाल चावल भी बना है, कुछ ज़्यादा नहीं बना है। ये क्या है, ये क्या है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप लोग। और यहाँ देखिए बाबू का मेरे जो है कि गुड्डा जो है नहा लिया है, दिखा देते हैं आप लोगों को, नहा लिया देख रहा है, और अभी कपड़ा डालना है। दोस्तों अभी जा रहे हैं डालने, और ये देख लीजिए क्या कर रहे हो, हटो का है जो ट्राई जिसमें मोबाइल स्टैंड जो है दो, अरे वो लगा दे, बहुत दुष्ट है बच्चा। तो अभी खाना वाना नहीं खाए हैं, और ये देख लीजिए ये लेकर के खेल रहा है, तो गलत बात है ना, कोई चीज़ नुकसान करता है। तो दोस्तों वो दाल चावल बना है और मैं जा रही हूँ, अभी खाएंगे, और मेरा मन कर रहा है कि मैं भुजिया बना लेती हूँ आलू का, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैं जा रही हूँ अभी भुजिया बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाऊंगी। आलू का है, आलू मतलब बस तेल डाल करके उसमें आलू फ्राई करके बस वही खाना है। तो ये देख लीजिए मेरा बाबू कैसे चढ़ करके इस पे कुर्सी पर चढ़ा है, और फिर वहाँ जा करके चढ़ करके ये नाटक कर रहा है। चार्जर मेरा छोड़ दो बेटा, उतर जाओ, गिर जाओगे ना। दोस्तों मेरा खाना वाना हो गया है, और मतलब सब्जी मैंने बनाया है भुजिया, उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिए, इसीलिए हमने नहीं दिखाया आप लोगों को। थोड़ा सा अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन दिखाने लायक जैसा नहीं था, और वही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा है, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन में मिल जाए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं। वाह भाई वाह, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे काटने दो यार मोबाइल।